तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो कि भी इसके लिए इसमें क्या कहा जा रहा है। कि अगर तुम देखोगे इस वाले क्वेश्चन में, तो ये बॉम्ब है इनिशियली रेस्ट एक्सप्लोडेड बाय सिर्फ थ्री इक्वल पार्ट। जो पहला वाला इससे पहले क्वेश्चन किए थे उसमें दो इक्वल पार्ट हुए थे, अब इसमें कितने पार्ट हो गए? इसमें थ्री इक्वल पार्ट हो गए। तो अगर देखो इसमें थ्री इक्वल पार्ट हो गए, तो अगर एक बॉम्ब है और इसके थ्री इक्वल पार्ट हो गए, मतलब एंड द टू फ्रेगमेंट आर मूविंग एंड समथिंग लाइक दिस, मतलब आई प्लस जे एक वेलोसिटी से इधर जा रहा है और दूसरा से वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट। अब देखो एक की वेलोसिटी पहले वाली की वेलोसिटी है, उसका वेलोसिटी वेक्टर कितना है? थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप, ठीक है। और दूसरे वाले की जो वेलोसिटी वेक्टर है और माइनस आई कैप और माइनस फोर जे कैप है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ थर्ड कहता है थ्री थ्री इक्वल मास है, मतलब इसका मास इक्वल है, तो वेलोसिटी ऑफ थर्ड तुम्हें निकालना है, ठीक है ना। तो देखो सब कुछ वेक्टर में दिया हुआ है, तो हमको पता नहीं कौन किधर जा रहा है। वेलोसिटी बी वन इधर है, वेलोसिटी बी टू इधर है, वेलोसिटी बी थ्री इधर होगा, क्योंकि इनका रिजल्टेंट इसको कैंसिल करेगा, क्योंकि बम रेस्ट में था। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? ज़ीरो। तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए? तीन इक्वल मास जब ये टूट के बनेंगे भाई, समझ रहे ना बात आप? थोड़े थोड़े ये छोटा सा मास, ये स्मॉल एम और ये स्मॉल एम, ठीक है, और ये स्मॉल एम, छोटा छोटा मास बनेगा, तो तीनों मास बनेंगे, तो फाइनल मोमेंटम भी तीनों का कितना आना चाहिए? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि इनिशियली रेस्ट में था, तो इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो था, तो फाइनल ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर तुम देखोगे फाइनल ज़ीरो होने के लिए, मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन से, फाइनल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ मोमेंटम पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री मस्ट बी इक्वल टू, मोमेंटम पी वन प्लस पी टू मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। अब एम वी वन पहले वाले के प्लस एम वी टू दूसरे वाले के प्लस एम वी थ्री तीसरे वाले के मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी वन इसका थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप और प्लस माइनस आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस बी थ्री इक्वल टू ज़ीरो, समझ में आया? तो अगर तुम यहाँ से देखोगे, तो अब यहाँ से नेट मोमेंटम अगर तुम देखोगे वेलोसिटी बी थ्री, तो टू थ्री आई कैप माइनस आई कैप, मतलब टू आई कैप यहाँ से आ गया और यहाँ से टू जे कैप और माइनस, तो यहाँ से माइनस टू जे कैप आ गया, समझ रहे हो, और प्लस भी थ्री, तो वेलोसिटी ऑफ थर्ड यहाँ से निकल जाएगा अपना। तो वेलोसिटी ऑफ जो थर्ड आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस टू आई कैप प्लस टू जे कैप इज़ द फाइनल सोलूशन। तो यहाँ से तुम देख लो, ऑप्शन मैच करा लो कौन सा यहाँ से मैच करता है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो माइनस टू आई कैप प्लस जे कैप, मतलब अपना सी ऑप्शन सही हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।